हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवेज क्रैकर्स में आपका। फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ी न्यूज़ लेके आया हूँ। बताया जा रहा है कि आरपीएफ भर्ती 2020 की नोटिस जारी कर दी गई है। अब जारी कैसे की गई है? कांस्टेबल की 10वीं पास के लिए मेल और फीमेल कैटेगरी के लिए रेलवे की तरफ से बड़ी खबर, बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है ये। तो एक बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप करके कहा कि सर, ये न्यूज़ क्या सच है या गलत। तो मैंने इसकी जांच पड़ताल की और इसका जो प्रूफ या इसका जो क्वेरी के हिसाब से, जो बच्चों द्वारा क्वेरी मुझे मिल रही थी उसके हिसाब से, क्या ये सच है या नहीं, इसके बारे में हम लोग जाँच करते हैं। तो चलिए इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसका जो है ना, ये बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप किया था और व्हाट्सएप करने के बाद ये बताया था, 8 फ़ोटो मुझे सेंड किए हैं। चलिए मैं इसको फ़ोटो को पढ़ के बताता हूँ कि क्या लिखा हुआ है और क्या क्या जोनल वाइज कितने वैकेंसीज आए हुए हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट शॉर्ट इंस्ट्रक्शन, कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे पॉजेस फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशन प्रेस्क्राइब फॉर द पोस्ट एज ऑन submitting application. Short notice is releasing for fill up the vacancy in railway protection force or RPSF, railway protection special force. अब इसकी ऑनलाइन जो प्रक्रिया है वो रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट से ही होगी, कोई अदर एप्लीकेशन से, अदर मोड से नहीं हो पाएगी। फुल नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपके पास आ जाएगी। जो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप indianrailway.gov.in पे जाके बेसिकली अच्छे से देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से ज़रूर इसमें जाके विजिट करके देखिए ज़रूर। वैकेंसी डिटेल बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं क्यों इतने अच्छे से डिटेल मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने जितने भी आरपीएफ के एग्ज़ाम्स बताए हैं आपको, जितने भी इसके बारे में बताया है, आरपीएफ ट्रेडमेंट के बारे में बताया है, सभी बच्चे मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और इसीलिए मेरे जो है ना चैनल के लिए वो कोशिश करते हैं कि सर, आप प्लीज़ इसके ऊपर मुझे डिटेल में वीडियो बना के दीजिए। ठीक है, वैकेंसी डिटेल बताई जा रही है कि द ग्रुप ऑफ जोनल रेलवेज एंड आरपीएसएफ वैकेंसीज इन्वाइट्स 18,995 पोस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखिए जो पोस्ट हैं ये सही है या नहीं, ये गलत है, मतलब ये जो इसकी जो डिटेल है वो सही है या नहीं, इसके बारे में हम लोग, ये पहला जो पेज, देखिए पहला पेज में क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर देखिए पढ़ लेते हैं हम लोग। गवर्नमेंट ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड, एम्प्लॉयमेंट नोटिस पढ़ सकते हो, आरपीएफ नंबर 11/2020, रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, लेवल 3 और 7, सीपीसी पे मैट्रिक्स विद इनिशियल पे रुपीज 21,700 एंड अलाउंस। तो ये आपका जो नंबर है आरपीएफ 11/29/39, ये जो नोटिस डेट है 1 दिसंबर 2020 को निकाला गया था, जो कि जीएम द्वारा निकाला गया था, जनरल मैनेजर द्वारा निकाले गए थे। ऑल इंडियन रेलवे, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, डेट ऑफ रिलीजिंग फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन 1st week of January। तो आपको जैसे ही पहले वीक सप्ते के जो जनवरी में आपको इसका पूर्ण नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला तो हम अपना जो वीडियो बनाना बंद कर देंगे। इतना कोशिश करूंगा मैं आपको कि पहले जनवरी में जैसे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए, सबसे पहले, सबसे फर्स्ट सेकंड में, लास्ट सेकंड, फर्स्ट और लास्ट सेकंड तक हम आपके साथ बने रहेंगे और जो है ना पहला वीडियो हमारे चैनल द्वारा पब्लिश होगा। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में देखिए, फिलिंग अप वैकेंसीज इन द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ ऑफ कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर एलिजिबिलिटी, मेल और फीमेल कैंडिडेट्स फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल इन लेवल 3 of 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स फॉर द वैकेंसीज इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ऑफ वेरियस जोन्स ऑफ इंडियन रेलवे एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। ठीक है, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो कैटेगरी हैं, कुछ कैटेगरीज हैं, तो कैटेगरी के बारे में मैं बताऊँगा। मैंने इसके बारे में बताया आपको कि ये जो डेट है, इसके इंपॉर्टेंट जो वैकेंसीज हैं, कितने वैकेंसी, 18,995 वैकेंसी। ठीक है, अब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपने शॉर्ट नोटिफिकेशन देखा, ऊपर में लिखा हुआ इंपॉर्टेंट शॉर्ट इंस्ट्रक्शन अर्थात शॉर्ट नोटिस, यहाँ पर शॉर्ट नोटिस इज रिलीजिंग फॉर फिल अप वैकेंसीज इन प्रोटेक्शन आरपीएफ में और आरपीएसएफ में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, देखिए तो एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स का, जो ए कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, अ कैंडिडेट इन दो हुज केस अ सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी इज नेसेसरी मे एडमिटेड टू द एग्जामिनेशन, बट द ऑफिसर ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट मे बी गिवन ओनली आफ्टर द नेसेसरी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट हैज बीन इश्यूड टू हिम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है, तो इसलिए फ्रेंड्स मैं इसको ज़्यादा डिटेल में बताने की चेष्टा कर रहा हूँ। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज के बारे में बता देते हैं हम। तो आपको HSLC मैट्रिक फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपको पास होना होगा,
मिनिमम जो 18 और मैक्सिमम 25, उससे ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आप इस फॉर्म को, आवेदन को नहीं भर सकते। अगर आपका होगा तो आपको OBC देखना पड़ेगा, SC और ST जो ट्राइब्स हैं वो सब देख के आपको फॉर्म को, आवेदन को भरना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो बातें हैं इसके बारे में बात चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अ कैंडिडेट इन हुज केस अ सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी इज नेसेसरी मे एडमिटेड टू द एग्जामिनेशन बट द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। ये सारे जो चीज़ें मैंने पढ़ी, क्वालिफिकेशन मैंने पढ़ दिए, नोट देखते हैं। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड फॉर कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव शैल ओनली बी वैलिड, ठीक है, दोज अवेटिंग रिजल्ट्स ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। देखिए, जिनका अभी रिजल्ट निकलने वाला है वो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। RPF का जिनका रिजल्ट निकलने वाला है, या जिनका ट्रेड टेस्ट कंडक्ट कर लिया गया है, जिनका जो है ना एग्जाम कंडक्ट कर लिया गया है, और जिनका मतलब हो चुका है, ये नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, जिनका मैट्रिकुलेशन का जो एग्जाम हो चुका है या होने वाला है, ठीक है, वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते, ठीक है। मैट्रिकुलेशन पास हो आप, उसके सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास, तभी आप इस फॉर्म, इस जो है ऑनलाइन फॉर्म को, आवेदन को भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जी नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होता है, पेट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, ठीक है। इसमें आपको 5 मिनट 45 सेकेंड दिए जाएंगे 1600 मीटर के रन को पार करने के लिए, कॉन्स्टेबल मेल के लिए। 800 मीटर रन नहीं होता इसमें, लॉन्ग जंप 14 फिट और हाई जंप 4 फिट, ठीक है। फीमेल के लिए 3 मिनट 40 सेकेंड दिया जाएगा, 800 मीटर इनका जो है ना रनिंग होगा फीमेल के लिए। 9 फीट लॉन्ग जंप, हाई फीट 3 फीट, बहुत आराम से आप क्लियर कर सकते हैं। 10 टाइम, देखिए क्या लिखा है, कैंडिडेट को जो बुलाया जाएगा 10 टाइम ऑफ द कैटेगरी वाइज टोटल वैकेंसी। तो मान लीजिए 18,995 जितना भी वैकेंसीज है उसका 10 गुना, ठीक है, तो 180,000 बच्चों को बुलाया जाएगा। इतना तो आप 190 पकड़ लीजिए, 190,000 वैकेंसी मतलब बच्चों को बुलाया जाएगा एग्जाम्स के लिए, ठीक है। इतना तो बात गौर करिएगा और आप अभी से तैयारी करिएगा। मैं इसका और आर्मी का भी कुछ दिनों के बाद एग्ज़ाम होने वाला है, आर्मी का और RPF का दोनों का सेट्स लगाने वाला हूँ। बस आप क्लासेस करते रहिएगा, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, बहुत सारे पार्ट्स आएंगे, उसको करते रहिए। डेली एक वीडियो आएगा ज़रूर उसके बेसिस पे, और आप तैयारी करते रहिएगा चाहे वो किसी की हो। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए कैटेगरी के वाइज, देखिए कैटेगरी वाइज क्या लिखा गया है, मैंने बता दिया आपको। देखिए 1600-800 मीटर जो इवेंट हैं, ओनली वन चांस विल बी गिवन, मतलब एक ही चांस में आपको क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन आपको जो है ना हाई जंप और लॉन्ग जंप कैंडिडेट को 2 चांस दिए जाएंगे। इतना बात मैं बता दूँ आपको, ऑफिशियल जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है बच्चे द्वारा भेजा गया, मैं खुद नहीं सोचा था कि ऐसा मुझे वैकेंसी के बारे में कोई बता पाएगा, और मैं खुद जो सर्चिंग किया तो मुझे इतना नहीं मिल पाया कि हाँ भाई ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है सही है या नहीं। तो मैं खुद सर्च किया और बताया, देखा, सोचा और मैंने निकाला कि ये सही है, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई इन ऑल टेस्ट एज पर अबव नॉर्म्स टू बी एलिजिबल फॉर कंसीडरेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये मैंने पढ़ लिया। अभी देखिए एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में बात करेंगे, एग्जामिनेशन फ़ी कितना पड़ा है। देखिए बताया जा रहा है कि आपको जो सीरियल नंबर 2 में बताया जा रहा है, कंसेशन होगा, 500 रुपये का आपको फ़ी भरना पड़ेगा, लेकिन आपको 400 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे CBT के एग्ज़ाम में अपीयर होने के टाइम, ठीक है। और जो SC ST कैटेगरी हैं उनको 250 रुपये फॉर्म भरने के लिए लगेंगे, 250 रुपये पूरे के पूरे रिफंड कर दिए जाएंगे। और मैं RPF ट्रेडमैन वाले बच्चों को सभी को अभी से इतला कर रहा हूँ कि उनका अभी तक पैसा नहीं आया, तो क्यों नहीं आया, मैंने बार बार बताया है कि आप अपने अकाउंट से फॉर्म फिल करिए, किसी अन्य के अकाउंट से फॉर्म फिल मत करिए, क्योंकि ये मशीन लर्निंग टाइप काम करता है, जैसे YouTube काम करता है, Facebook काम करता है, जितने अदर सोशल साइट्स काम करते हैं वैसा ये भी है। जब भी आप कोई भी वेबसाइट से या कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो तो उसमें अपना डिटेल अकाउंट फिल करिए, दूसरे किसी अन्य का अकाउंट फिल ना करें, क्योंकि उसके अकाउंट में जब वो चेक करेगा कि अन्य किसी का अकाउंट किसी अन्य के नाम से है तो वो पैसा उसमें ट्रांसफ़र नहीं करते, मालूम है उनको कि उनका नहीं है इसीलिए वो ट्रांसफ़र नहीं करते। इतनी बातें मैं आपको बार बार बताता हूँ और आपको समझाता हूँ। जो बच्चे क्या करते हैं, ये फी भरने के चक्कर में सोचते हैं कि मुझे तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, जब 500 रुपये पूरा भर देते तो उनको जब नहीं आता तो सोचते अरे मेरा 500 का 500 खर्च हो गया। अरे यार अपने मेहनत के ऊपर तो कोशिश करिए, अपने ऊपर तो काम करिए, अपने ऊपर तो कोशिश करने के बाद ये सोचिए कि मैं अगर निकाल नहीं पाया तो ये मेरी गलती है, ये मेरी फॉल्ट है, ये मेरी कॉस्ट है।
तो इतनी ये बात याद रखिएगा, अपने ऊपर काम जिस दिन से आप करने स्टार्ट कर दोगे, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आप निकाल सकते हो। मेरे महान जो गुरु हैं वो खुद बोलते हैं कि आपको कोई भी बड़े बड़े एग्जाम्स क्लियर करने के लिए किसी भी एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इतनी बात याद रखिएगा, खुद से प्रयास करिएगा, खुद से मेहनत करिएगा ताकि आपका जो सिलेक्शन हो सफल हो, असफल ना हो। असफल होने के लिए बहुत गलतियाँ करनी पड़ती हैं, लेकिन सफल होने के लिए वही गलतियाँ, आपको उस गलतियों से ही सुधार मिलता है, सफलता मिलती है। ठीक है, आज इसी बात से मैं विदाई लेना चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। और इस शॉर्ट नोटिफिकेशन के साथ आप आगे की तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। हाँ, आपको मैं इसका लिंक तो नहीं दे दूंगा, लेकिन हाँ, इसके इंडियन रेलवे .gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं जाने की अनुमति दे सकता हूँ। उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से ज़रूर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।